हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जॉस टेलीग्राम ट्रेनिंग सेंटर सीलमपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है और तुम लोग जो सीपीए अप्रैल में 2020 का जो बैच तुम लोगों का रिक्वेस्ट पे हम लोग ये ऑनलाइन हमारा जॉस टेलीग्राम ट्रेनिंग सेंटर सीलमपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं। तुम लोग मैं भी उम्मीद रखूँगा तुम लोग भी हर रोज हमारा ये ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले रहे हो, ठीक है। तो तुम लोग को तो अभी तक पता चल ही गया है कि हम लोग लॉकडाउन के शुरू से बहुत सारी क्लास हम ले लिए। तो पिछले जो क्लास में हम बताए थे ये कैश बुक क्या है और कैश बुक का डेफिनेशन क्या है और उसका तो प्रोफॉर्मा भी आप लिए थे, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, उसका प्रोफॉर्मा क्या है, कैसे होता है, और डबल कॉलम कैश बुक का भी डेफिनेशन दिया है और उसका प्रोफॉर्मा भी दिया है। तो नेक्स्ट हमको तो ये सोच में आते हैं जो ये हमारा ये क्वेश्चन आते हैं जे कैश बुक में हम ये जो डबल कॉलम कैश बुक है हम क्या एंट्री करेंगे, कौन सी साइड में जाके हम एंट्री करेंगे और कौन सी साइड में जाके किस चीज़ का एंट्री करेंगे। तो उसी के लास्ट क्लास में हम दिखाए थे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक में हम डेबिट साइड में कैश कॉलम में और बैंक कॉलम में क्या क्या ट्रांजेक्शन हमको एंट्री करना पड़ता है। आज हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक का कैश बुक में हम कैश और बैंक कॉलम में क्या एंट्री करेंगे। तो देखो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में कैश कॉलम में हम क्या क्या एंट्री करते हैं, तो ऑल कैश पेमेंट्स जो है तो हम डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक इनटू बैंक और ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज के लिए और हमारा कंपनी के लिए जो पैसा जरूरत है उसको अगर हम डिपॉजिट किए तो बैंक में डिपॉजिट किए तो उसको भी हमको क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में एंट्री करना पड़ेगा। और इसको कैश कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टी क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो तीन नंबर क्या है, कैश कॉलम में क्रेडिट साइड या डेबिट साइड का नहीं, कैश कॉलम में कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से कुछ पैसा हम उठाएंगे आवर प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए तब जाके ड्राइंग के लिए ड्राइंग अकाउंट को हम कैश कॉलम का पास कॉलम में क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम में हमको एंट्री करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडोर्स ऑफ वीआरआर चेक, किसी ने हमको वीआरआर चेक दिया है तो उसी को हम अगर एंट्री इंडोर्स करेंगे तो उसी को भी हम कैश कॉलम में एंट्री करना पड़ेगा। और दूसरे साइड बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में क्या क्या एंट्री होगा, तो ओपनिंग बैंक बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तब जाके क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में बैंक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस एंट्री होगा बैंक बैलेंस। ऑल पेमेंट्स बाय चेक, अगर हम कुछ पेमेंट्स चेक में दिया है और चेक में पेमेंट किया है तब जाके क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में ये चेक पेमेंट का एंट्री होगा। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर आवर ऑफिस यूज, सेम एज अगर हमारा कंपनी का जरूरत के लिए अगर हम पैसा उठाए तब जाके हमको क्रेडिट साइड ऑफ बैंक बैलेंस में एंट्री होगा बैंक अकाउंट कॉलम में एंट्री होगा। अगर बैंक हमारा अकाउंट से कोई बैंक चार्ज काट ले और उसको हमारा अकाउंट से डेबिट कर दे तब जाके हमको बैंक कॉलम में क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक चार्ज के लिए। इस नेक्स्ट चेक इशू टू प्राइवेट और पर्सनल यूज, सेम एज अगर हम कोई व्यक्तिगत कारण में अगर हम चेक इशू किया है तो तब जाके हम क्रेडिट इसको बैंक कॉलम में एंट्री करना पड़ेगा। अगर हमारा चेक डिसऑनर्ड होगा तब जाके हमको क्रेडिट कॉलम में बैंक कॉलम में एंट्री करना पड़ेगा कैश बुक में। बिल रिसीवेबल, अगर बिल डिसऑनर्ड होगा तब ये रिसीवेबल के लिए हमको बैंक कॉलम का क्रेडिट कॉलम में एंट्री करना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर हमारा बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो हमारा कुछ एक्सपेंसेस लाइक टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मोबाइल बिल एक्सेट्रा
इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो डायरेक्टली बैंक ऑन बिहाफ ऑफ आस पेमेंट कर दे, तब जाके उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक कॉलम में, कैश बुक का क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में जाके। तो यह है